हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजी का जो नया सर्कुलर आया है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं सर्कुलर में अप्रैल 2020 से डीजी ने सीओसी के ओरल्स ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए थे। अब डीजी ने ये डिसाइड किया है कि रिटर्न जो एग्ज़ाम है सीओसी के, वो दिसंबर 2021 से वो ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए अपने पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसका रैम मिनिमम 4 GB होना चाहिए और हार्ड डिस्क 164 GB मिनिमम होना चाहिए। प्रोसेसर इंटेल i5 i7 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और विंडोज़ 10 होना चाहिए मिनिमम। और उसके बाद विंडोज़ का जो अपडेट वर्जन है वो 1607 या उससे हायर होना चाहिए। ये सब सर्कुलर में लिखा हुआ है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद डीजी आपका क्रॉस चेक करेगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा। अगर ये आपका क्रॉस चेक में सारे फुलफिल हो रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद डीजी अपना एक टेक्निकल किट आपको भेजेगा। जो एड्रेस है उसके लिए अलग से फीस पे करना पड़ेगा, तो वो एड्रेस पे आपको जो टेक्निकल किट भेजेगा वो आपको अपने डिवाइस में, अपने लैपटॉप में लगा के बाद अगर आपका सब सही से चल रहा है तो वो अप्रूव करेंगे आपका रिटर्न सीओसी एग्ज़ाम। उसके बाद एग्ज़ाम होने से पहले एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आप सर्कुलर में देख सकते हैं प्रैक्टिस एग्ज़ाम होगा। उसमें पूरा 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिस एग्ज़ाम जैसा एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, बट वो एक्चुअल एग्ज़ाम की तरह काउंट नहीं होगा। उसके बाद जो पायलट एग्ज़ाम होगा वो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उसे काउंट किया जाएगा। तो इसी प्रकार स्टार्टिंग में उन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिस एग्ज़ाम, उसके बाद पायलट एग्ज़ाम जो कि मेन एग्ज़ाम। तो आपको चांस मिलेगा प्रैक्टिस एग्ज़ाम में, अगर कुछ डाउट है ये तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर में देख सकते हैं कि ये नॉटिकल जो डेक साइड और इंजीनियर्स सबके लिए, दोनों के लिए ये रिटर्न एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। और इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपका लैपटॉप बीच में बंद हो गया, पावर फेलियर हो गया या आपका इंटरनेट बंद हो गया, तो ये सब सर्कुलर में दिया, आप पढ़ सकते हैं। अगर 5 मिनट से ज़्यादा आपका इंटरनेट बंद होता है तो डिसकनेक्ट हो जाएगा आपका, फिर वो नेक्स्ट मंथ आपको के लिए टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत सारी कंडीशंस है, आप पढ़ सकते हैं। वो उसमें दिया है कि 1-2 मिनट के लिए नेट बंद होगा तो आप कंटिन्यू करते रहिए, जैसे ही नेट रिस्टोर होगा आपका एग्ज़ाम चालू रहेगा। और कंटिन्यूस 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, कंटिन्यूस आपकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी। 3 आवर्स को उन्होंने डिवाइड किया है 1.5 और 1.5, 1.5 आवर के बाद ब्रेक है, उसके बाद वापस 1.5 आवर का एग्ज़ाम है। तो ये शेड्यूल बनाया है, आप सर्कुलर को एक बार गो थ्रू हो जाइए अच्छे से। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन्होंने मेंशन किए हैं, कौन से टेक्निकल इश्यू में क्या एक्शन होगा और क्या आपको करना है। तो ये सब डिटेल में आप एक बार सर्कुलर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और बहुत सावधानी से आप सारे सर्कुलर को अच्छे से पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। सर्कुलर में अच्छे से बताया है, जैसे आपका कोई स्केच है, डायग्राम है, न्यूमेरिकल है, वो सब आपको वहाँ पे लिखना है अपनी पेपर में। उसके बाद कैसे उसको डिजिटल फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, कैसे उसका फ़ोटो लेना है, वो सब प्रोसीजर बताया। आप एक बार अच्छे से सर्कुलर को गो थ्रू हो जाएं। और उसमें सब दिया है कि कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, डिजिटल कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको ही यूज आपको करना है। उसके साथ आपका साइड में टेक्निकल बार जो IT सेल के साथ चैट कर सकते हैं, इन्विजिलेटर जो होगा उसके साथ भी आप चैट कर सकते हैं, जो भी इश्यू होगा, टेक्निकल इश्यूज बीच में आ रहे हैं आप उनको मैसेज कर सकते हैं, तो वो उसी टाइम आपके रिजोल्व कर दिए जाएंगे। तो ये सब आप एक बार सर्कुलर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।